हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कहा गया सचिन, ये शानू है और हम जा रहे हैं धारला। अभी बच्चों की बिल्कुल भी हम छुट्टियां नहीं करवा सकते, तो इसकी ड्रेस थी छोड़ने को। ये पीला जैसा हुड लेके जाता था और जूते भी नहीं इसके पास, क्योंकि पिछले साल जो चीजें ली थी ना, वो सारी की सारी वैसे ही रह गई रखी हुई। उनका कोई कोई भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि फरवरी में गए थे शानू आप? नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च में गए थे। छुट्टियां होती है ना हमारे जन, लॉकडाउन 20 मार्च, हाँ नहीं 15 मार्च से लगा था। तो जनवरी और फरवरी, फरवरी 15 को खुलते हमारे स्कूल यहाँ पे, तो 1 महीना गई ये स्कूल। और जैसे ही नया सेशन बैठता है, मतलब नए साल का, तो हम इनको, हम क्या सभी माँ बाप अपने बच्चों को किताबों से लेके ड्रेस, बैग, शूज सब कुछ लेते हैं नया, है ना। तो इनको भी लिया था, टायर याद भी कराया, और वो सब कुछ ना वैसे ही रखा हुआ, छोटा हो गया। और हन्नी के पास भी नहीं है, लेकिन उसने छुट्टी नहीं करी आज। तो वैसे फिर धारला भी बंद रहता है छुट्टी को, आज शुक्रवार है, तो पढ़ाई बहुत जोरों शोरों पे चली है। और इसके पापा गए बैंक का भी, वो वहाँ से आते ही होंगे, और फिर हम निकल जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या ले रहे हैं, बहुत सारा सामान लेके आएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने सामान लेना। अच्छा, इतनी जरा तो मैं फोन वगैरह डाल लूँ। और चले तो यहाँ पे हम आए कपड़े देखने। खुली होनी चाहिए थोड़ी लंबी। ते बटन चढ़ते मोटे जैसे हो ना, थोड़ी इतने तो और खुली देखो। आई नहीं, और मेरे को आया था ये पसंद, पर ये महंगा बहुत है भाई, 2200 रुपए की ये कुर्ती। ये देखो ये कुर्ती है, ना ये तो ते बहुत ही जाने। कितने दी है शर्ट भाई जी? एक ये 500 रुपए दी। तो सस्ती भी तो देना, डिस्काउंट भी है ना। ये तो मतलब इतने दे अभी ऐसा कुछ 4 रुपए बचना बोली ना। नहीं, आज जो अच्छी चीज है उसमें नहीं बचते पैसे, पैसे इतने ना बचो उसे। पहले की देखी लो, ले लो तुसे भी। जो चीज सस्ती ना, तेरी उम्र ज्यादा नहीं। सच्ची
और ये ले लिए हमने कन्याओं के लिए कपड़े। ये भैया फौज में है और देखो अभी जॉब कर रहे हैं, सॉरी जॉब नहीं कर रहे, रिटायर हो गए हैं। बढ़िया है, अपने टाइम पास के लिए दुकान भी खोल लिए। और अभी इनके पास ना हमारी वो देखो कि यहाँ पे ना अभी सर्दियों का ही है ज्यादातर माल, अभी आ रहा है थोड़े दिनों बाद, फिर लेंगे इनके पास 15 तक। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम आती हूँ दारला, इस शॉप में मैं पहली बार आ रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, भैया है इनकी ये शॉप है और इनके घर यहीं पे है आर्मी। पैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में ना, कि पैसे नहीं लगने चाहिए उसके चक्कर में हम हल्की चीज़ ले लेते हैं और वो चीज़ें नहीं निकलती है, लेकिन चीज़ खुद बोलती है। कुछ भी हम लेते हैं ना, हमने थोड़ा सा सामान लिया है यहाँ पे, घर दिखाऊंगी मैं आपको घर जाके। तो अभी इनके पास सर्दियों का ये, लेकिन मैं बोलूँगी सबको, अगर किसी को पता नहीं होगा, जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये भैया यहीं से इतनी क्या नाम वहाँ मंदिर के सामने है, जालपा माता मंदिर, जालपा माता मंदिर के सामने इनकी शॉप है। मैंने कोई डिस्काउंट नहीं लिया इनसे, आप इनको पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग ना अच्छी चीज़ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मतलब जो पैसों की कोई वो नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने जो लिया मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके, बहुत अच्छी चीज़ें। पैसों की अगर परवाह करेंगे तो हमें घटिया चीज़ मिल सकती है जो ज़्यादा नहीं चलेगी। 150 के पीछे हम लड़ते हैं, अड़ते हैं दुकानदारों से, लेकिन मैं सच्ची में पर्सनली बात बताऊं, मैं आपको अपने मन की बात, हाँ कुछ चीज़ें मैं नहीं ले पाई क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हम, लेकिन जो अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं यहाँ पे ज़रूर आए। मैंने कभी भी आज तक दारला में किसी दुकान की वो नहीं करी है, प्रमोशन बोलो आप। और इनको भी मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं भैया, क्योंकि उनकी शॉप थी यहाँ पे। पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, स्वेटरों से लेके पैंट से लेके शर्ट्स शॉल हर एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। तो कोई नज़दीक से अगर कोई देखते हैं मुझे यहाँ से, ज़रूर यहाँ पे आए। बाहर का मैं नहीं बता सकती, यहाँ से जाते हैं काफ़ी लोग। तो ये सियार में दारला से थोड़ा सा आगे और यहाँ पे ये शॉप है। तो पहली बार आई हूँ मैं अभी, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगी। तो दो नहीं लेनी है कि चीज़ लेनी, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे और आप इनसे चीज़ें ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे। अलका गारमेंट के नाम से शॉप, अलका, हाँ बाहर ऊपरली मंजिल में इनकी शॉप है, शॉप नंबर 5 अलका, अलका गारमेंट्स, भाई की बच्ची का नाम होगा, हाँ अलका, मैं समझ गई थी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सच्ची बात बताऊँ, मैं बार बार यहाँ पे आ रही थी ना। तो अभी मंडे तक इनके पास गर्मियों का स्टॉक आ जाएगा, मुझे भी लेना है एक सूट, मैंने बोला है इनको। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग यहाँ से मुझे देखते हैं, तो ज़रूर आए यहाँ पे और भैया से चीज़ें ज़रूर ले। ऐसा नहीं है 150 तो हो जाता है ऊपर नीचे, वो बात नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी मिलेगी, इतना मैं, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। मैं एक एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, एक एक चीज़, भले ही मैंने लिया नहीं उतना कुछ, लेकिन थोड़े सा चीज़ें लिया हमने, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो चलो अभी नीचे हमने कपड़े लेने जाके, तो मैं उसी एक बात मैं बता दूँ आपको, मैं बहुत से सामान लेती हूँ यहाँ पे आते हैं हम, मैं किसी शॉप के बारे में नहीं बोलती, लेनी तो हमें पड़ती है। मैं, इन्होंने भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि मुफ्त दिया या छोड़ा, नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो अच्छी चीज़ों के कदरदान होते हैं ना, उनके लिए आना चाहिए और ये यहाँ पे चीज़ें ज़रूर लें। अभी नीचे जाऊँगी, नहीं अच्छी लगेगी पैसे देंगे चले जाएँगे घर को, कोई वीडियो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से बोलती हूँ कि ईमानदारी, अच्छी चीज़ों में पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं। हेलो करो, इधर देख पहले, हाय, हाँ मैंने देखा ना उस दिन। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया सूट, सूट दिखाऊंगी आपको घर जाके, शॉपिंग घर जाके बताऊंगी आपको, सारे अच्छे रेट हैं भैया के, बहुत अच्छे रेट लगे मुझे। पहली बार है इनकी शॉप में और काफ़ी बड़ी दुकान है, दारला में, सियार में, जालपा माँ मंदिर के सामने, बिल्कुल ठीक सामने ये वहाँ पे मंदिर है। पुलिस चौकी की जी भाई, अच्छा से तो आगे डीएस आना आया कुछ इतनी, हाँ डीएसपी ऑफिस है यहाँ पे। ये यहाँ से मेन रोड यहीं से गया, शिमला मंडी जो रोड गया साथ से, जो मंदिर के नीचे से, ये देखो आपकी गाड़ियाँ दिख रही होनी, और इसी के साथ है ये दुकान है। अगर आप इस तरफ देखोगे यहाँ से आए, ओ हमारी गाड़ी लगी उधर, और ये देखो दो बिल्डिंगे हैं, एक मैंने ऊपर की वीडियो बनाई और एक यहाँ की। तो काफ़ी अच्छे रिजनेबल रेट है यहाँ पे, अच्छे प्राइस पे। एक सूट का मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ये सूट हमारे को 790 का पड़ा। तो बाकी मैं आपको घर में दिखाऊंगी जाके। हाँ जी कैशियर जी, ये देखो
पैसे निकाल रहे और भैया बाएं हाथ से लिखते हैं, हिसाब कर रहे हैं हमारा। तो फिर से देखेंगे, फिर से आएंगे यहाँ पे। ये देखो काफी सारे कपड़े। ये पर्दे कितने रे भैया? ये वाला पड़ेगा जी 215 रुपए का। मतलब हम ठीक ठाक ठगी थी दिए ना। वीडियो बंद कर लूं। बेइज्जती कम करनी, वीडियो देते थे ना बोना प्यार बेइज्जती। तो अभी हम आ गए मार्केट से और मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई है। और यहाँ पे हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। आजकल गर्मी आ गई ना, ये देखिए यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा है। मसाला ज्यादा करते हो? मसाला हा? मसाला गन्ने का जूस है। तीन चार बार जो है ये करते हैं। कितनी बार कट हुई तू? यहाँ पर है वो कई बना मेरी वीडियो तो चलिए कितना क्लियरिटी देख। चलो चलो क्लियरिटी देख। तुम्हें छाननी हो या बंद कीजिए क्या? हाँ नहीं छाने नहीं है जगह हो। थैंक यू सानू ले तू फिर। और ये मेरा गिलास। मतलब बिना बारिश के ना गर्मियाँ शुरू हो गई। और वैसे अभी गर्मियों का मौसम नहीं, हमारे मार्च में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, लेकिन अभी ना बारिश नहीं हो रही है तो गर्मियाँ शुरू हो गई। वैसे पहाड़ों में इतनी जल्दी गर्मियाँ नहीं शुरू होती थी। मैंने आपको पूछा भी नहीं, सॉरी, क्योंकि मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप पी नहीं पाओगे और मैं बोल तो रही हूँ। बहुत टेस्टी है। और कई टाइप के जूस बनते हैं यहाँ पे। तो चलो अभी हम चलते हैं।
मजा आ गया।